सबसे पहले भगवान ने सांख्य मार्ग बताया, उसके बाद कर्म योग बताया, उसके बाद कर्म कांड भी बताया, फिर ध्यान योग, तो अलग अलग मार्गों का सार बताया था। लेकिन जो सातवां अध्याय है उसमें भगवान बता रहे हैं कि सार क्या है, एक ही चीज है कि सार है भगवान के ऊपर केंद्रित होना, आपको भगवान के ऊपर केंद्रित होना है और कोई मार्ग नहीं है।